आज की वीडियो लेक्चर में आपके लिए है सुपरलेटिव। फ्रेंड्स, डिग्री का मैं इससे पहले एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं जिसमें मैंने पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया था और उनको इंटरचेंज करना भी बताया था, पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव से पॉजिटिव। वीडियो सिक्वेंस में रहते हैं इसलिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की ओर। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है सर? फ्रेंड्स, जैसा कि डिग्री को मैंने बताया था आपको, डिग्री एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज का गुण या उसकी विशेषताएं बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें हम एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं से करते हैं, क्योंकि अगर दो है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं। इसलिए कहेंगे कि एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना, उसके गुणों की तुलना दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं से करते हैं। इसमें ये देखना चाहिए कि समानता रहनी चाहिए, हम उसी के समान दूसरी चीजों से उसकी विशेषता की समानता करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने सेंटेंस लिया है कि मोहन कक्षा में सबसे अधिक बहादुर है, तो फ्रेंड्स इसमें हमें समझ में आ रहा है कि जो मोहन है वो अपनी कक्षा में, उसकी जो कक्षा है उसमें बहादुर है, लेकिन वो कैसा? सबसे अधिक बहादुर है। और इस कक्षा में दो से ज्यादा लोग हैं, जब दो से ज्यादा स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंटों की संख्या है वो दो से ज्यादा है। अगर दो होते तो हमें सुपरलेटिव की आवश्यकता नहीं होती, हम क्या करते? उसे कंपैरेटिव से ही बना लेते। तो सुपरलेटिव का मतलब है कि दो से अधिक होने चाहिए। दूसरी चीज फ्रेंड्स, इसमें याद रखना है कि ये अधिक आए या ना आए तब भी ये सुपरलेटिव में रहेगा, क्योंकि सबसे लगा है, मोहन कक्षा में सबसे बहादुर है, तब भी ये सुपरलेटिव ही रहेगा। तो हमें समझ में आया कि एक व्यक्ति या एक वस्तु की के गुणों की तुलना उसी के समान दूसरे दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों से की जाती है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम बनाते हैं तो देखिए, मोहन सिंगुलर है तो इज आएगा वर्ब, यहां ये वर्ब का रूप है, मोहन इज द। फ्रेंड्स, ये याद रखना है सुपरलेटिव में द अनिवार्य है, द के बिना सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं लगा सकते। जैसा कि मैंने बताया था कंपैरेटिव में देन आएगा, कंपैरेटिव में देन आना अनिवार्य है, वैसे ही सुपरलेटिव में द अनिवार्य है। और ये डिग्री से ठीक पहले लगेगा, मोहन इज द ब्रेव। अब इसके हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा, मोहन इज द ब्रेवेस्ट। कहां है ब्रेवेस्ट? इन द क्लास। फ्रेंड्स, याद रखिए कि हम यहां पर स्टूडेंट भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, मोहन इज द ब्रेवेस्ट इन द क्लास। तो हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया और हमें ये समझ में आ गया। अब अगर फ्रेंड्स हमारे पास ये कक्षा नहीं है, मान लीजिए, तो क्या लिखा है? मोहन सबसे अधिक बहादुर है, तो लिखा जाएगा मोहन इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। ये फ्रेंड्स इस पे भी ध्यान रखेंगे आप कि ये ऑफ ऑल भी पीछे से लगा सकते हैं, ऑफ ऑल स्टूडेंट भी लगा सकते हैं अगर हमें ऐसा जानकारी है कि वो कहां है। तो ये याद रखना जरूरी है फ्रेंड्स। और दूसरा, हम इसे नहीं भी लगाएंगे तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा, मोहन इज द ब्रेवेस्ट। तो इस तरह हमने सुपरलेटिव डिग्री को बनाया है कि ये दो तरह से हम बना सकते हैं इसे और दोनों ही सही रहेंगी। ये है
तो हम इसमें लगाएंगे, नहीं है तब बीच में लगाएंगे। और इसका एक तरीका रहेगा आगे चल के आप देखेंगे। तो ये सुपरलेटिव जो डिग्री है वो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई। अब हम इसका इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव को हम चेंज कर सकते हैं, और सुपरलेटिव को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव में और कंपरेटिव में। तो इसे हम पहले कंपरेटिव में चेंज करते हैं। फ्रेंड्स कंपरेटिव में अगर हम चेंज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करने के लिए कुछ रूल रहेंगे, तो वो रूल समझ लीजिए। तो उसमें सबसे पहला रूल ये है कि हम वो सेंटेंस लेंगे जिन सेंटेंस में इन द और ऑफ द रहता है, या इन या ऑफ भी मान सकते हैं हम इसको, द ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे हटा भी सकते हैं ऐसे रखते इन और ऑफ, आगे पीछे भी, मतलब जैसे ये यहां इन आया है ये ऑफ आया है, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे हम उन्हीं को ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमने ये ले लिया, मोहन इज द ब्रेवेस्ट इन द क्लास, ये सुपरलेटिव है फ्रेंड्स। अब हम इसे कंपरेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि जब हम सुपरलेटिव से कंपरेटिव में जा रहे हैं तो कंपरेटिव का स्ट्रक्चर होगा ये, कंपरेटिव का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए क्या करना है कि इसमें हम यहां सब्जेक्ट लेंगे, जो ऊपर वही सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस हम वर्ब लेंगे, जो वर्ब है वही वर्ब आ जाएगी, ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद हम डिग्री चेंज करेंगे तो हम डिग्री लेंगे। देखिए हमने सब्जेक्ट लिया, वर्ब ले ली, अब हम डिग्री ले रहे हैं, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री लिखते हैं और यहां लिख देते हैं कि कंपरेटिव में होगी वो डिग्री, क्योंकि हम कंपरेटिव बना रहे हैं फ्रेंड्स, और कंपरेटिव में होगी तो फ्रेंड्स हम इसे आगे देन लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कंपरेटिव डिग्री के साथ देन अनिवार्यतः आता है, तो हमने देन लगा दिया। अब हम फ्रेंड्स यहां देन के बाद, मोस्टली लोगों को यहां से प्रॉब्लम आता है याद रखना, तो इसके बाद क्या आएगा, यहां लगाएंगे हम एनी अदर, हमने एनी अदर लगा दिया फ्रेंड्स। एनी अदर के बाद प्लस यहां आएगा नाउन, और वो नाउन रहेगा सिंगुलर। ये याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि एनी अदर लगाने के बाद हम यहां एक नाउन लगाएंगे जो सिंगुलर में रहेगा, और यहां जो नाउन आएगा फ्रेंड्स वो नाउन कॉमन होगा, यानी कि वो एक जाति होगी, किसकी, सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट की हम लिख देते हैं एक तरीके से, एक सपोज जाति का मतलब ये है कि यहां मोहन कौन है, यहां मोहन को अगर हम पढ़ते हैं तो मोहन इज द ब्रेवेस्ट इन द क्लास, तो फ्रेंड्स क्लास की बात अगर हम कर रहे हैं तो मोहन एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो वो यहां उसकी जो जाति हो गई, तो वो नाउन कौन आएगा, स्टूडेंट आएगा। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिए कि यहां जो है वही उसी के अनुसार ये नाउन आएगा। अब इसके बाद क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम जो इन या ऑफ जो होगा या द लगा होगा इसके साथ वो आएगा, प्लस अदर वर्ड, जो इन या ऑन के साथ जुड़ा रहता है वो अदर वर्ड्स आएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा एक इसका एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अब अगर चाहे हम तो इसे चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसे सुपरलेटिव को सीधा यहां से बना लेते हैं। तो देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मोहन, सब्जेक्ट सेम ही रहना, वर्ब भी सेम ही आएगी, जब सब्जेक्ट सेम है तो वर्ब भी सेम आएगी,
उसके बाद डिग्री, तो डिग्री हमें चेंज करनी है तो क्या आ जाएगा, द हटाएंगे हम क्योंकि ये सुपरलेटिव में होता है, और अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम कंपैरेटिव बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो अब हम द को हटाएंगे और यहां क्या लगाएंगे, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, तो कंपैरेटिव में ईआर लगेगा जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो ब्रेव, ब्रेवर, ये हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, मोहन इज ब्रेवर, और फिर फ्रेंड्स लिखा हुआ है देन, डिग्री के बाद देन आना है, तो मोहन इज ब्रेवर देन, फिर लिखा है एनी अदर, एनी अदर, यहां तक ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहां देखेंगे ये ना उड़ाना है, तो मोहन मैंने बता दिया आपको कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, यहां याद रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट हो गया, कहां है, इन द क्लास फ्रेंड्स, ये इन द क्लास हो जाएगा इसमें, तो ये हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। तो ये इसमें समझ लीजिए कि एक तरीके से हमारा ये मतलब वन टर्म पूरा हो गया, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, समझ लीजिए ये सेम यही रहेगा अगर हम यहां पर ये जो एनी अदर है, एनी अदर की जगह पर ऑल अदर, ऑल अदर, ऑल अदर लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, देखिए इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डिग्री जो कंपैरेटिव में रहेगी प्लस देन प्लस ऑल अदर, फिर यहां आएगा ऑल अदर के बाद प्लस, ये जो नाउन आया था वो फ्रेंड्स ऑफ प्लूरल में आएगा, ये इतना बदल गया, अगर हम यहां ऑल अदर लगाएंगे तो ये प्लूरल में आएगा फ्रेंड्स, प्लस वही इन या ऑफ प्लस अदर, तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये दूसरा तरीका है इसका, हम अगर इससे भी चेंज करेंगे तो देखिए कैसे बनता है, मान लीजिए हमने यही सेंटेंस लिया, फिर से लिख सकते हैं इसे, हम ऊपर से ही बना दे रहे हैं, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स, वर्ब भी वही रहेगा इज, डिग्री भी वही रहेगी ब्रेवर, ब्रेवर, इसके बाद देखिए इसमें हमने यहां किया है वर्ब, डिग्री हो गई, देन लगाएंगे तो देन भी रहेगा, देन के बाद ऑल अदर, ऑल अदर स्टूडेंट्स, ऑल अदर स्टूडेंट्स रहेगा फ्रेंड्स, ऑल अदर स्टूडेंट के बाद देखिए वही इन द क्लास, ये फ्रेंड्स हमारा एक तरीके से ये हो गया, दूसरे तरीके से ये हो गया, तो दो तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना फ्रेंड्स। अब हम बताएंगे पॉजिटिव में चेंज करना फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हम पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर पहले ले सकते हैं हम, तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं, इसमें ये समझ के चला गया कि मैंने ये सुपरलेटिव लिया है टेंस, उसका हम पॉजिटिव बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले नो अदर होगा, नो अदर के बाद फ्रेंड नाउन आएगा, और ये नाउन जो है सिंगुलर रहेगा, और ये ठीक वैसे ही यहां एक तरह से सब्जेक्ट की जाति आएगी, नो अदर, फिर ये जाति यानी सिंगुलर नाउन आ गया प्लस, इसके बाद इन या ऑफ प्लस अदर वर्ड्स, जो अदर वर्ड्स पीछे, देखिए यहां ये इन और ऑफ,
इन और ऑफ हो गया, इस पर जो अदर वर्ड क्लास वगैरह वर्ल्ड वगैरह यहाँ कुछ भी आ सकता है, क्लास में है, विलेज में है, वर्ल्ड में है, इंडिया में है, ऐसा लिखा हो सकता है, तो हम इन या ऑफ में जो भी होगा वो लगाएंगे और ये अदर वर्ड यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब आएगी और जो नो अदर की वजह से सिंगुलर में रहेगी, ये सिंगुलर में रही वर्ब आ गई। फ्रेंड्स वर्ब के बाद हम यहां पर सो या एच, सो देखिए दो तरीके मैंने बताए थे आपको, सो डॉट 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 एच या एच डॉट डॉट एच, ये दो तरीके हैं पॉजिटिव डिग्री में, ये मैंने दोनों आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए। तो सो या एच में से कोई भी एक हम लगा सकते हैं प्लस पॉजिटिव डिग्री। इनके बीच में जो रहती है वो पॉजिटिव डिग्री रहती है प्लस एच, ये लास्ट में यहां एच आएगा और एच के बाद फ्रेंड्स याद रखिए ये जो सुपरलेटिव है उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, तो हम यहां लिख देते हैं सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और एच सेम आएगा, सेम जैसा यहां होगा मॉन है, ही है, सी है, जो भी है वो यहां आया, क्योंकि ये बताया है एच के बाद जो है नॉमिनेटिव बीच में ही आता है, सब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, तो इस डिग्री को अभी हम यहां बनाते हैं इसी कंडीशन से, तो इस कंडीशन से जब हम बनाएंगे तो देखिए नो अदर लगाना है हमें, टेन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, यहां क्या लगाना है नो अदर, अभी तो हमें अपना जो दिया गया है वो याद रखना है, नो अदर लगाना है। अब इसके बाद हम टेंस में देखेंगे मोहन है, तो मोहन है यहां पर क्लास में है तो स्टूडेंट। फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं, अगर यहाँ टाइगर होगा फॉरेस्ट होगा तो एनिमल हो जाएगा, पीकॉक होगा तो फॉरेस्ट में होगा तो बर्ड होगा, अगर यहाँ लैड होगा तो क्या हो जाएगा मेटल हो जाएगा वो फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हमें देखना पड़ेगा कि कौन है, कंपनी में है तो एम्प्लॉय वगैरह हो सकता है, तो ये याद रखना है हमें, यहाँ पर थोड़ा सा देख के लगाना है कि क्या आएगा। तो नो अदर स्टूडेंट्स नाउन हो गया, इस पर इन या ऑफ, तो इन द क्लास यही आ जाएगा, इन द क्लास। तो फ्रेंड्स ये इन द क्लास आने के बाद देखिए क्या लिखा, अदर वर्ड इन द क्लास हो गया वर्ड, तो अब यहां क्या आएगा इज आएगा, नो अदर स्टूडेंट इज, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज। तो ये फ्रेंड्स याद रखना है आपको कि यहां सिंगुलर वर्ब आना है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या है इसमें सो या एज, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, यहां मैं दोनों लगा दे रहा हूं लेकिन आप एक ही लगाइए, जो भी लगाना हो सो लगाइए या एज लगाइए, दोनों का मीन्स एक ही होता है, तो सो भी लगा सकते हैं और एज भी लगा सकते हैं। अब पॉजिटिव डिग्री लगाना है, तो डिग्री कौन सी लगानी, यहां जो दी गई है उसी को तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो ब्रेव रह जाएगा, तो ये ब्रेव आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से हमने लिया है, फिर हम एज लगाएंगे। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट कहां से, सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है यहां पर, सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट कौन है मोहन है, तो हम यहां मोहन लगाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, इसका ये एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे बार बार करिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री से कौन सा जिनमें इन द या इन या ऑफ का प्रयोग रहता है उससे कंपेरेटिव में दो तरीके से बताया, दो तरह से कैसे करते वैसे बताया, और इसमें भी दो ही मान लीजिए, एक सो वाला और एक एज वाला है, लेकिन मैंने दोनों कंबाइन करके आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये कंपेरेटिव में चेंज करना और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना, ये दोनों चेंज मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको ये इसमें दूसरा टेंस लेके बता रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स कहां आ जाती हैं, जैसे क्या ये ऑफ वाला टेंस है, लेकिन इसमें हमें जो पीछे दिया है ऑफ या तो ऑफ अकेला होगा, ऑफ ऑल या ऑफ के पीछे जो लगा है वो इसी का नाउन लगा होगा प्लूरल में। तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम कंपेरेटिव या सुपरलेटिव सॉरी
कंपोजिटिव में बनाते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कंपरेटिव में बनाता हूं फ्रेंड्स। कंपरेटिव में जब इसे हम बनाएंगे, देखिए लेट का लेट ही रहेगा, इज सेकेंड डिग्री आएगी हैवियर, देन आएगा इसे एनी अदर मैटर फ्रेंड्स। हमें यही बंद कर देना है यहां पर। आगे जो मैंने इन या ऑफ प्लस अदर वर्ड जो लिखा है वो आप ना लें, कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफ ऑल जब लगा होता है तो हम उसे छोड़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं उसे लगाने की। हम केवल यहां तक इतना बनाएंगे लेड इज हैवियर देन एनी अदर मैटर, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पॉजिटिव बनाते हैं, ये कंडीशन कब रखते हैं, ऑफ ऑल लगा है या ऑल के पीछे इसी का नाउन लगा है। तो दूसरा है फ्रेंड्स पॉजिटिव का। पॉजिटिव में जैसा कि मैंने फ्रेंड्स अभी बताया आपको, कहां से स्टार्ट होगा, नो अदर से, नो अदर, नो अदर के बाद हमें क्या लगाना होता है, नाउन लगाना होता है। तो नाउन ये कौन है, मैटर है, सिंगुलर में रहेगा फ्रेंड्स, ये याद रखिए। तो सिंगुलर में जब ये रहेगा तो इसके बाद मैंने आपको इन या ऑफ का बताया था कि इन या ऑफ यूज करना है, तो इसमें ऑफ दिया है। बट जैसा कि मैंने इसमें अभी बताया आपको कि ऑफ ऑल या इसी का नाम लगा होगा तो हम यहां भी नहीं लगाएंगे। जैसे हमने इसमें यूज नहीं किया वैसे ही हम यहां भी इसे यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो हम क्या लगाएंगे, जब वो नहीं है तो सीधा हमारा वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, इज एज या सो एज भी लगा सकते हैं, एज हैवी एज, और ये सब्जेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स इससे आपको काफी हेल्प रहेगा, आप समझ लीजिए कि देखिए ऑफ ऑल, फिर से समझा रहा हूं, ऑफ ऑल या इसी के पीछे उसका नाम लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर ऑफ ऑल नहीं लेंगे और यहां भी नहीं लेंगे, तब भी हमारा ये कंप्लीट है और सही भी हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको जो सेंटेंस सुपरलेटिव से कंप्लीटिव में बताया, अब क्या है हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, अगर हम इसे नेगेटिव कर दें, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे नेगेटिव कर दिया, टाइगर इज नॉट द फास्टेस्ट इन द फॉरेस्ट। तो इस टाइप का अगर हमें सेंटेंस मिलता है तब हम क्या करेंगे, तो नेगेटिव में क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपरेटिव लेते हैं। तो कंपरेटिव में क्या रहेगा फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, जब सब्जेक्ट वही है तो वर्ब भी सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर उसके बाद डिग्री। तो फ्रेंड्स हम कंपरेटिव बना रहे हैं तो डिग्री कंपरेटिव में ही रहेगी, मैं सी बना दे रहा हूं कि तो कंपरेटिव में होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देन आएगा, क्योंकि ये कंपरेटिव डिग्री है तो देन आएगा। इसके बाद हमें लगाना है सम अदर, सम अदर, ये फ्रेंड्स याद रखना है आपको, सम अदर लगाना है यहां पर आपको। सम अदर के बाद प्लस नाउन आएगा, वही नाउन जैसे ये कौन है और वो प्लूरल में रहेगा फ्रेंड्स, ये याद रखना जरूरी है, ये प्लूरल में रहेगा। तो इस टाइप से आप समझ लीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, डिग्री हो गया, देन हो गया, सम और नाउन हो गया, इन या ऑफ आएगा, फिर उसके बाद आएगा अदर। फ्रेंड्स याद रखना ऑफ अगर लगा होगा तो फिर लास्ट में भी ऑफ ऑल के साथ अदर वर्ड नहीं आता है। तो फ्रेंड्स हमारा सुपरलेटिव हो गया। अब हम इसे अभी चेंज करते हैं, तो चेंज
चेंज, इसे देख के करेंगे हम। टाइगर फ्रेंड्स, एक चीज इसमें रहेगी, यहां नॉट का नॉट ही रहेगा, याद रखना है। टाइगर इज नॉट, टाइगर इज नॉट, डिग्री लगाएंगे। फास्टर, टाइगर इज नॉट फास्टर देन, देन के बाद सम अदर, टाइगर कौन है, एनिमल है तो एनिमल आएगा, ये अच्छे से लगाना है, यहां याद रखना है एनिमल्स, यहां सिंगुलर नहीं आएगा फ्रेंड्स, प्लूरल आएगा, जैसे कि यहां मैंने लिखा है आपको। फिर क्या है, इन द या जो भी है, तो इन द फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट। ये फ्रेंड्स देखिए कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीटिव में कंप्लीट हुआ, निगेटिव वाला। अब हम पॉजिटिव में कंप्लीट करते हैं, पॉजिटिव में फ्रेंड्स जो है वो स्ट्रक्चर रहेगा सम प्लस नाउन, प्लूरल में सम प्लस नाउन प्लूरल में, इसके बाद इन या ऑफ प्लस अदर वर्ड प्लस फ्रेंड्स यहां वर्ब आएगा, बट याद रखना क्योंकि यह नाउन सम के साथ प्लूरल में है, तो जो वर्ब है वो प्लूरल में होगा, ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको। यहां जो वर्ब है, मोस्टली लोग यहां गलती करते हैं फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल में रहेगा, इसको आपको याद रखना है, ये प्लूरल में रहेगा फ्रेंड्स, ये प्लूरल में रहेगा यहां। तो हमने वर्ब भी लगा दिया, इसके बाद हम डिग्री कौन सा बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, तो सो या एस प्लस डिग्री, डिग्री आपको समझ में आ गया होगा, आप पॉजिटिव लगाएंगे, एस प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव में कौन सा सब्जेक्ट जाता है, जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट है वही लास्ट में जाएगा, एज इट जैसा है वैसा ही जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स इसे हम बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, कैसे होगा देखिए। तो हमने यही सुपरलेटिव डिग्री ले ली और इसी को देख के बनाएंगे हम, तो सम, सम के बाद नाउन प्लूरल में लगाना है, तो कौन है ये, एनिमल है, एनिमल्स याद रखना है यहां, सम एनिमल्स कहां है, देखिए इसमें तो अब यहां आएगा सम अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट फ्रेंड्स, ये आ गया सम अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जैसा कि इसमें सम अदर, फिर नॉन प्लूरल, फिर इन द या ऑफ द अदर वर्ड आ गया हमारा, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब फ्रंट फ्रेंड्स देखिए यहां क्या लगा है इस, लेकिन हम यहां लगाएंगे आर, आर क्यों यूज होगा, क्योंकि इसमें एनिमल्स है और हमने लिखा भी है कि यहां प्लूरल वर्ब आएगा, तो आर का यूज करेंगे, आर यूज हो गया देखिए, तो इस बार एज लगाएंगे या सो लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं आप, सो, और डिग्री कौन सी लगाएंगे, फास्ट, तो क्या आएगी इसमें, फास्ट आएगी, या कंपरेटिव में फास्ट आएगी या फास्ट आएगी, और फिर हम एज लगाएंगे, और एज लगाने के बाद क्या लिखा है इसे फ्रेंड्स देखिए, डिग्री बाद एज लगा के सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट में कौन आएगा, टाइगर आएगा फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। ये मैंने आपको नेगेटिव में भी इसको कंप्लीट करके दिया है, आप इसका रिवीजन कीजिए, वैसे मैं वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप उसे बार बार कर सकते हैं, और फ्रेंड्स मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को अगर सीखना चाहते हैं तो उसे बार बार कीजिए, जितनी बार आप ज्यादा करेंगे आप उसे उतना ही ज्यादा सीखते जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये याद रखिए। अब मैं आपको इसके बाद इसका दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं, तो फ्रेंड्स देखिए सुपरलेटिव डिग्री आपको चल रही है अभी बता रहे हैं हम, तो अब हम सेकंड टाइम लेते हैं कि इसमें वन ऑफ द हो,
जिस डिग्री में वन ऑफ द हो। अभी मैंने आपको क्या दिया था, इन या ऑफ लगा होगा, वो डिग्री हम चेंज कर रहे थे, आप वन ऑफ द वाली चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एग्जांपल लिया है, रमन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास। सेम वही है, बस इसमें क्या है, ये वन ऑफ आया है। तो फ्रेंड्स, वन ऑफ आने पर सुपरलेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ जुड़ जाएगा तो उससे बनाने का तरीका, यानी चेंज करने का, बनाने से आप समझना है आपको, इंटरचेंज करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो पहले हम मतलब चेंज करेंगे कंपेरेटिव में, तो कंपेरेटिव में फ्रेंड्स चेंज कर रहे हैं हम। तो कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड्स, वो देखिए क्या रहेगा, कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स हम क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। जब सब्जेक्ट वही है तो वर्ब भी वही रहेगा फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट वही है और वर्ब भी वही है। तो अब ये जो वन ऑफ द वाला सेंटेंस है तो हम कंपेरेटिव बना रहे, तो वर्ब के बाद इसमें क्या आता है, डिग्री आती है, डिग्री आएगी फ्रेंड्स, और डिग्री हम किसमें लेंगे, कंपेरेटिव में लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, डिग्री होगी कंपेरेटिव में। तो इसके बाद देन आता है, मैं ये कई बार बता चुका भी आपको, और देन आने के बाद अब यहां से हम प्लस करेंगे मोस्ट अदर, मोस्ट अदर आएगा इसमें फ्रेंड्स, मोस्ट अदर के बाद नाउन आएगा, जो मोस्ट अदर के बाद नाउन आएगा फ्रेंड्स, नाउन वही समझ लीजिए आप, नाउन में क्या रहेगा, इसका इसकी जो मतलब सब्जेक्ट है उसकी एक तरह से जाति रहेगी, इसकी जो नाउन है उसकी जाति रहेगी। तो फ्रेंड्स इसमें, और ये प्लूरल में रहेगा, इतना याद रखना है। फिर इसके बाद वही रहेगा, इन या ऑफ प्लस अदर, अदरवाइज। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो गया कंपेरेटिव। अब हम इसे चेंज करते हैं, देखिए जब हम चेंज करेंगे तो रमन एज, डिग्री भी चेंज करेंगे तो बेटर होगा, रमन इज बेटर देन मोस्ट अदर, और कहां है वो, क्लास में है, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स होगा, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। तो फ्रेंड्स ये याद रखिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ कंपेरेटिव में। अब हम इसे लेते हैं पॉजिटिव में फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव के लिए भी फ्रेंड्स स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिए, इसमें हम सबसे पहले वेरी फ्यू लगाएंगे, क्या लगाएं फ्रेंड्स, वेरी फ्यू, उसके बाद नाउन आएगा, और इसका जो नाउन होगा वो प्लूरल में रहेगा, वेरी फ्यू नाउन सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, प्लूरल में रहेगा। फिर उसके बाद वही इन द और ऑफ द, वेरी फ्यू नाउन हो गया जो इससे रिलेटेड रहेगा, इसकी तरह से जाति आएगी इसकी, इसके बाद हिंदा या ऑफ द, फिर उसके बाद आएगा फ्रेंड्स वर्ब, लेकिन वर्ब किसमें होगा, प्लूरल में होगा फ्रेंड्स, ये याद रखना जरूरी है, वेरी फ्यू, क्योंकि यहां प्लूरल नाउन इसमें जुड़ेगा, तो यहां वर्ब भी हमारा प्लूरल रहेगा। फिर से मैं अंडरमार्क करता हूं, इसे देख लीजिए, याद रखना है इसे। फिर इसके बाद आएगा एज या सो प्लस डिग्री, प्लस डिग्री पॉजिटिव में होगी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको, क्योंकि हम पॉजिटिव ही बना रहे हैं। तो ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्री जो हम चेंज कर रहे हैं उसी में आ जाएगी,
अब इसके बाद क्या रहेगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसका होगा, सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स ये। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, अब हम इसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरी फ्यू लगाएंगे अभी इसको ना समझ देखते हुए। अभी तो क्या लगाना है, जो हमें दिया गया है वेरी फ्यू। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट को, तो ये है सुपरलेटिव का टेंस देखिए। तो इससे हमने यहाँ रमन कौन है, क्लास में है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट है लेकिन ये प्लूरल में रहेगा। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स होगा, कहाँ है, क्लास में है, इन द क्लास। ये फ्रेंड्स समझ में आया, इन द क्लास। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसे हमने इन द ऑफ द वर्ब आएगा। तो वर्ब फ्रेंड्स देखिए इसमें इस लगा हुआ है, लेकिन यहां क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल में है तो आर आया। इसके बाद एज या सो में से हमने एज लिया, और डिग्री को चेंज करेंगे तो कौन सा आएगा, बेस्ट का गुड होता है फ्रेंड्स, और गुड एज, गुड एज, और सब्जेक्ट इसका, तो सब्जेक्ट क्या है, रमन, तो यहां आ जाएगा रमन। तो फ्रेंड्स ये पहला कंप्लीट हुआ, देखिए इसका मैंने बता दिया आपको। तो हमने कंपरेटिव में जो वन ऑफ द वाला सेंटेंस होता है उसे कंपरेटिव में चेंज करना सीख लिया फ्रेंड्स, और पॉजिटिव में सीख लिया फ्रेंड्स। ये हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी, ट्वेल्थ के लिए और टेंथ के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिग्री इसी रूप में आती है और मैंने इसी तरीके से आपको बताई है, तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक चीज आपको याद रखना है, इसमें वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि फ्रेंड्स इसे अगर मान लीजिए कि हमें कंपरेटिव दे दिया, कंपरेटिव दे दिया, तो हमें वो पॉजिटिव भी दे सकते हैं बनाने को, और सुपरलेटिव भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। कंपरेटिव तो दिया हमने, तो इसमें हम फ्रेंड्स देखेंगे यहां पर अगर हम रिविजन ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो हमें सारी डिग्री याद रहेंगी, याद रहेंगी तो हम समझ सकते हैं। अगर मोस्ट अदर लगा हुआ है तो वन ऑफ द वाले में से हमने इसे बनाया है, मोस्ट अदर जब आता है तो वेरी फ्यू आता है पॉजिटिव में, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द आता है। अगर हमें इन केस किसी स्थिति में पॉजिटिव का ये वाला टेंस दे दिया, अगर ये टेंस दे दिया तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि वेरी फ्यू पॉजिटिव में आता है, ये तो यहां से ही पता चल जाएगा, बट वेरी फ्यू तब आता है जब वन ऑफ द होता है। इससे पहले मैंने बताया था उसमें सम यूज किया था, सम अदर, तो सम अदर जब यूज होगा तो वो कंपरेटिव का होगा, तो उससे हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, जो ये होगा वो नेगेटिव होगा, और इसमें सम के साथ ही प्लूरल लगेगा। तो फ्रेंड्स ये सारे चीजों को आपको अंडरस्टैंड रखना चाहिए हमेशा के लिए, मतलब आप इस तरीके से करिए ना कि बार बार, एक तो वीडियो